और देखिए इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन की खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में 56 मदरसों की मान्यता रद्द की गई है। मदरसों पर अवैध वसूली का बड़ा आरोप भी लगाया गया है। तो देखिए इससे पहले भी मदरसों के ऊपर एक्शन देखने को मिला है। फिलहाल अवैध मदरसों के ऊपर एक्शन लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में अवैध जितने भी मदरसे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और आने वाले समय में भी ये एक्शन जारी रहेगा। 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। मदरसों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया कि अवैध तरीके से ये वसूली कर रहे थे और इसी चलते 56 मदरसों की मान्यता फिलहाल रद्द कर दी गई है और आने वाले समय में हो सकता है कि यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाए क्योंकि इससे पहले भी मदरसों के ऊपर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। फिलहाल एक्शन मोड में मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के शोएपुर जिले में एमपी सरकार ने मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मोहन सरकार ने 56 मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने यह बड़ा एक्शन लिया है। अब जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में बताया गया है कि शोएपुर जिले में 80 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें से 54 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें राज्य शासन से अनुदान प्राप्त हो रहा है। फिलहाल 56 मदरसों के ऊपर एक्शन यहां पर लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा।